तो हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। कुछ दो नंबर का सामान तो नहीं दिख रहा है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम लंदन। 10 बज रही है सुबह की और चलता हूँ कॉलेज। तो नया दिन, नई शुरुआत, नई उम्मीद और नया ख्वाब। तो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। सेल्फ मुसाफिर के एक और शानदार, धमाकेदार और बेहतरीन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ लोगों ने बोले थे कि नाम ले देना, तो रुद्र कदम, भरत, साहिल, तेजपाल सिंह, महिदा, उमर अहमद, महाराष्ट्र अकोला से, हाफिज़ लाहौर से और ऋषिराज सिंह। तो ये कुछ लोगों ने बोली थी कि मेरा नाम ले देना, तो नाम ले दिए आपके। और अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर, कनेक्शन फील होता है कि हाँ, लोगों से बातचीत ही कर रहा हूँ मैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, क्योंकि हर चीज़ का रिप्लाई आ रहा है और बहुत कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के। और एक कमेंट आया था मुझे, बहुत लोग पूछते हैं कि यूके आना चाहिए, यूएसए जाना चाहिए या कनाडा जाना चाहिए। तो भाई, ये तो आपका फ़ैसला, आपको कहाँ जाना है। और मोस्टली चीज़ें आपके कोर्स पर भी डिपेंड करती है और वीज़ा रूल्स पर डिपेंड करती है। मेरी पर्सनल राय तो ये कि कनाडा में होता अगर, तो मैं तो कनाडा कभी प्रेफर करता ही नहीं, क्योंकि मुझे ना तो कभी कनाडा में इंटरेस्ट रहा है और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस ना तो ठीक है कनाडा के साथ, ना ही अगले कुछ साल मेरे हिसाब से होने वाले हैं, जितनी मुझे समझ है। क्या है, मतलब मुझे ये नहीं पता लोगों में कनाडा का क्या क्रेज़ है। ऐसा कुछ फैसिनेटिंग नहीं लगता मुझे एज ए पर्सन कनाडा में। यूएस की परछाई में बना हुआ देश लगता है मुझे, और इकनॉमी भी शायद टॉप 10 इकनॉमी में भी नहीं है कनाडा, और बचे यूके और यूएस। तो मैं ये नहीं, ये आपका फैसला है आपको क्या लेना है, पर ये मुझे जहाँ तक लगता है कि यूएसए में सैलरीज हाई है। और मैं ये आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने यूके क्यों चुना, मैं यूएसए क्यों नहीं गया। पहली बात तो यूएस में पढ़ना बहुत महंगा है फिल्म मेकिंग। दूसरी बात, जो वीज़ा रूल्स हैं, अगर मैं यूके में फिल्म मेकिंग पढ़ता या कोई भी आर्ट्स रिलेटेड डिग्री करता तो मुझे सिर्फ 1 साल का वर्क वीज़ा मिलता है, जिसमें मेरा H1B लग गया, जो H1B वीज़ा है वहाँ का, लॉटरी पे जो मिलता है हम इंडियंस को, जिसके 30% चांस रहते हैं मिलने के, सट्टा है मतलब। आपको पहली बात तो जॉब ढूंढनी है, जॉब मिल गई आपको तो आपको H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, उसके भी 30% चांस है, वरना आपको देश अपने वापस आना है। पर यदि आप यूके में हैं, आर्ट्स डिग्री कर रहे हो, तो आपको 2 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा। मैं मेरी डिग्री के बाद 2 साल और काम कर सकता हूँ। और तीसरा मेरा यह कारण था कि मुझे इंडिया से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं रहना था, कि मैं 8 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट लेके इंडिया जा सकता हूँ। तो ये भी और बहुत सारे कारण थे जिस कारण मैंने यूके आने का फैसला लिया। तो ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी। और यूएसए में यदि आप साइंस स्टेम डिग्री कर रहे हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथ्स, तो आपको 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है, और यहाँ पर उस डिग्री पर आपको 2 साल का ही मिलेगा। तो ये आपकी डिग्री, कोर्स और आपके एम्बिशन और एस्पिरेशंस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कंट्री जाना है। तो उस बेसिस पे आप फैसला लीजिए, और किसी के बोलने से, किसी रील देखने से या किसी इन्फ्लुएंसर के बोलने से अपना डिसीजन मत लो। लाइफ का बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 40-50 लाख रुपए लगा रहे हो, तो अच्छी रिसर्च करके, सोच समझ के अपना फैसला लो। तो ये थी मेरी राय, और अब मैं सीधे निकलता हूँ कॉलेज की ओर। बाय बाय। तो मीठा शहद देने वाली मधुमक्खी डंक भी मार सकती है, इसलिए सतर्क रहें, क्योंकि ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा मीठा बोलते हैं लोग, वो हनी के साथ साथ हानि भी पहुंचा सकते हैं। टाइम ऑफ द डे इट्स 3:17 इन द आफ्टरनून, और अब जा रहा हूँ भाई। सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो रही आज। तो सोच रहा हूँ फ्रूट्स खा लूँ बस, रात को कुछ ढंग का खाएंगे। और रोज़ बोर हो गया वो इंडियन खाते खाते भी, क्योंकि एक ही एक रिपीटेटिव हो जाता है। तो आज एक मेरे साथ नई चीज़ हो रही है कॉलेज में, आज दो इंडियन लड़कियाँ हैं और दो इंडियन लड़के आए, जिन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि हमने आपकी वीडियो देख रखी है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या ही फील करूँ इस चीज़ को लेके। अभी एक ही दिन में 4 लोगों ने पहचान लिया मुझे, क्योंकि उस वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज़ आ रखे हैं, फर्स्ट डे इन लंदन और यूएल की जो वीडियोस हैं। तो ऐसा कुछ सीन है भाई, अब ये चीज़ का तो ध्यान रखना पड़ेगा लाइफ में। चलता हूँ, फ़िलहाल कुछ खाना लेके आऊँगा, और एलिस भी आ गई है, चलता हूँ। सेंट स्पिरिट्स जाऊँगा उस तरफ है, वाटरमेलन ही ले लूँगा और वापस आता हूँ लाइब्रेरी में। 3 घंटे और काम करूँगा और फिर
निकल लूँगा घर। ऐसे कुछ नज़ारे हैं आज एलिफेंटन कासल के। तो आप भी यदि यूएल से और आपने मेरी वो वीडियो देख रखी है ए डे इन लाइफ ऑफ एन इंडियन स्टूडेंट इन लंडन, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या लिया जाए। आम भी हैं, आम भी खा सकता हूँ। तरबूज, आम, मेलन। मेलन ले लेते हैं चलो आज। नहीं ये ले लेते हैं, तीन चीज़ें हैं, पाइनएप्पल, मेलन और आम। चलो बस कुछ मन ही नहीं हो रहा खाने का, तो फ्रूट्स ही खाऊंगा आज। तो चलते हैं फिर से, कांटा ही नहीं था यार, अब चम्मच से कैसे खाऊंगा। जो भी है चलो। व्हाट्स अप, यू नीड सम फ्रूट्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा? यस, यू गॉट एन इंटरव्यू? I thought you got a job interview. No, I didn't. Whew. To aaj kaun? That follows me. How are you, Elise? How are you? I'm good. How are you? I'm good. When did you get that? Sainsbury's. Yes. Chin chin. Chin chin. You know, I put a wide angle lens on this one. Mm-hmm. Then it becomes wide. तो हाँ भाई, घर जाने का समय आ चुका है, 5 बज रही है, 5 o'clock? 5 o'clock, right? Okay. और ये भी घर जा रही है, मैं भी घर जा रहा हूँ। How do you call your community? The Anujis? No. The. I'm thinking about a name soon. I'll let you know. What is energies? That's so weird. The energies. So the musafirs. Musafirs. Yeah, maybe. I prefer the energies. Energies. Do let me know in the comments section that. Energies or musafirs. Musafirs. Maybe somebody already has a community called like musafirs. It's a very common word. What I want you to say. Tell people about your documentary you are working on. They are getting interested into documentaries. I'm pretty sure you asked me this question before though, in front of the camera. No. I'm making a documentary about shepherds in the Alps. In Switzerland? In France. In France. Oh, so you have Alps in France too? Yes, we have Alps in France too. Okay. And I followed two young shepherds for a week in the mountains, and I'm making a documentary about how they live, mm-hmm. why they decided to become shepherds. Wow. That sounds interesting. Also, do let me know in the comments, do you like the documentary idea or no? Or you don't want the feedback? No, I do want the feedback. Okay. Is it an interesting subject? She or shot not? A very good documentary. I saw her footage. Amazing footage. Yes, come and watch. Thank you for sharing us your ideas. You're welcome. That I'll do it with some of the classmates too. Yeah, because we got like many interesting ideas. तो मैं भी मेरे बस स्टॉप आ चुका हूँ। एलिस ट्रेन मिलती है तो ट्रेन से चली गई है, और भाई कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है एलिस, मतलब बहुत लोग कमेंट में भाभी कुछ नहीं है, उसका बॉयफ्रेंड भी है और हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, बस ऐसा कुछ लफड़ा नहीं है, तो दिमाग मत लगाओ। भाभी से तो मैं आपको मिलवाऊंगा, अभी रुको बनाता हूँ कुछ ना कुछ, करते हैं, ढूंढते हैं, अभी तक तो कोई नहीं, पर अब करते हैं, चलो दिखाते हैं आपको भाभी भी कुछ महीने दो, क्योंकि टाइम तो लगता है इन चीज़ों को ढूंढने में। तो घर आ चुका हूँ और बस अब ये वीडियो एडिट करूँगा, खाना खाऊंगा और फिर सोऊंगा, और फिर कल का नया दिन शुरू करते हैं। और एक और चीज़, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे, फॉलो कर लो, सेल्फ डॉट मुसाफिर, सेम ही नाम है, सेल्फ डॉट मुसाफिर, ये मेरी यूज़र आईडी, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लंदन की स्टोरीज वगैरह मैं डालता रहता हूँ। तो बस ये आखिरी हफ्ता है, अगले हफ्ते से फुल फ्लेच कॉलेज चालू हो जाएगा, नए बच्चे भी आ गए हैं और हमारे भी एडिटिंग सुइट्स वगैरह ये सब खुल जाएंगे, तो अगले हफ्ते से, अगले मंडे से पूरा कॉलेज खुल जाएगा। तो जो लोग स्टूडेंट लाइफ देखने में इंटरेस्टेड हैं, तुम्हारे दिन आ चुके हैं। और जो लोगों को मेरे व्लॉग्स देखना पसंद है, तो मैं करीबन 6 साल से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, और मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगी, मैं पूरी मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ घुमा चुका हूँ लोगों को,
तो अमेरिका की सीरीज है, स्कॉटलैंड की सीरीज है, नेपाल की सीरीज है, सिक्किम है, मेरी बाइक राइड से हिमाचल की, तो आप वो सब चेकआउट कर सकते हो और उन पर भी कमेंट्स करके मुझे बताओ कि आपको मेरा ट्रैवल कंटेंट कैसा लगता है, क्योंकि मेरा मेन कंटेंट तो वही है। तो ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दो। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आपकी फीडबैक लिख देना, और जो जो यूएल से देख रहा है मुझे कमेंट में बता देना, और सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो सेल्फ मुसाफिर को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तो फिर होगी नई जगह, नया रोमांच और नया सफ़र। तब तक के लिए अलविदा।